सो हे गाइस, वेलकम बैक योर चैनल विस्तृत क्लासेस। आज बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है और इसमें बहुत सारे आप ऐसे स्पोकन वर्ड्स सीखोगे जो आपको इंग्लिश बोलने में चार चांद लगा देंगे। दोस्तों, इंग्लिश सीखना है, बोलना है, अपने आप की पर्सनालिटी को डेवलप करना है, तो मैं आपको सजेस्ट दूँगा, आई वॉन्ट टू सजेस्ट यू शुड वॉच दिस वीडियो। आपको इस वीडियो को देखना चाहिए, इसमें बहुत सारे चीज़ आपको एक साथ देखने को मिलेगा। बस वीडियो को एंजॉय करें। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाली है, तो इस क्लास को पूरी अंत तक देखें। और आज मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप इंग्लिश बोलने योग्य हो जाओगे। यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, आप भी इंग्लिश बोलने योग्य हो जाओगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम, कम से कम खाना खाकर जाइए, कम से कम ये करना चाहिए, कम से कम हर एक को इंग्लिश बोलना आना चाहिए, कम से कम सबको इंग्लिश बोलना चाहिए। एटलीस्ट, एटलीस्ट आपको खा कर जाना चाहिए। तो एटलीस्ट का प्रयोग मेरे प्यारे बंधु बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। इस पर सेंटेंस हम लोग जिससे कहते हैं, कम से कम आप एक गाना गा ही सकते हैं, ठीक है ना, तो बहुत बेहतर तरीके से कह सकते, कम से कम आप खाना खा सकते हैं, कम से कम आप मेरे लिए तारों के शहर जा सकते हैं। तो दोस्तों, कम से कम के सेंस में बहुत सारा होगा, इसका ट्रांसलेशन होगा एटलीस्ट यू कैन सिंग ए सॉन्ग, और यहीं पे होते हैं मेरे लिए गाना गा सकते हैं, तो आप समझ रहे हैं ना। तो देखिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, आज की नेक्स्ट वर्ड क्या है? सोफा, अब तक या अभी तक, ठीक है ना, अब तक या अभी तक इसका सेंस होता है, आप अब तक खाना नहीं खाए। तो दोस्तों, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा बताइए जल्दी, चलिए मैं ही बता देता हूँ। इसका हो जाएगा यू हैव नॉट ईटन सोफा, यू हैव नॉट ईटन सोफा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, आज का खास अगला शब्द क्या है, सेंटेंस क्या है, वहीं के वहीं या वहीं पर के सेंस में हम किस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, क्या आपको पता है? अगर आप अक्सर बोलते हैं वहीं के वहीं, वहीं पर ही, तो इसका इंग्लिश क्या यूज़ करेंगे? तो इसका इंग्लिश वो यूज़ करेंगे देन एंड देयर, देन एंड देयर। इससे भी आप कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं, इस पर एक सेंटेंस बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें, मैं उससे कमेंट को ज़रूर देखूंगा, उस ट्रांसलेशन को मैं ज़रूर देखूंगा, सेंटेंस को देखूंगा, ओके ना। तो दोस्तों, एक वर्ड आता है और रिसेंटली, हाल ही में या हाल फिलहाल, इसका क्या अर्थ होता है? हाल ही में या हाल फिलहाल होता है, तो इससे कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, इसलिए मैं भी ट्राई करता हूँ आपके लिए कि एक सेंटेंस बनाऊँ, ताकि आप भी उसी के तरह कोशिश करें और इंग्लिश बोलने में रिसेंटली, उस हुआ रिसेंटली गया, हाल ही में ऐसा हुआ, रिसेंटली इट्स हैपेंड, हाल ही में ये हुआ, हाल ही में ये, तो हाल ही, हाल फिलहाल के सेंस में इससे वर्ड किया जाता है। जैसे मैं एक सेंटेंस लूँगा, हाल ही में मैंने एक फिल्म, या हाल ही में मैंने यह फिल्म देखी, जिसको क्या आप बोलिएगा, आई हैव वॉच्ड दिस मूवीज रिसेंटली, आई हैव वॉच्ड दिस मूवीज या दिस फिल्म रिसेंटली बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड का तरह बोलते हैं देखिए ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं, नेवर माइंड, ये भी वर्ड काफ़ी यूज होता है, नेवर माइंड, डोंट नेवर माइंड, या नेवर माइंड भी कह सकते, डोंट नेवर माइंड, या आप डायरेक्ट बोल रहे हो ना, नेवर माइंड बहुत अच्छा वर्ड है, सेंटेंस में यूज़ भी किए जाते हैं इस चीज़ का। तो आप क्या बोलोगे, एक सेंटेंस बनाने कष्ट करूँगा मैं, कोई बात नहीं, मैं उसे संभाल लूँगा, जल्द से जल्द मुझे ट्रांसलेट करके बताइए इसका क्या होगा ट्रांसलेशन, कोई बात नहीं, मैं उसे संभाल लूँगा, ठीक है। तो आपने प्रयास तो करो मेरे बंधु, प्रयास तो कर ही सकते हो, जिसका होगा नेवर माइंड आई विल चेक केयर ऑफ हर, नेवर माइंड आई विल टेक केयर ऑफ हर। चलिए मैं अगले वर्ड की तरफ बढ़ता हूँ, अगला वर्ड आज का क्या है जो आपके लिए खास है, ठीक है, हमेशा के लिए, फॉर एवर, गुड बाय फॉर एवर, ऐसे सेंटेंस आपने भी कहीं ना कहीं सुना होगा, फॉर एवर, ठीक है ना। तो देखिए इससे क्या सेंटेंस होगा,
उसने मुझे हमेशा के लिए भुला दिया या भूल गई है, हमेशा के लिए भूल गई है। मेरे प्यारे बंधु, दिल पे मत लेना, बस समझने और बोलने की प्रैक्टिस करना है आपको। सी हैज फॉरगेटन मी फॉरएवर, सी हैज फॉरगेटन मी फॉरएवर। ओके, चलिए आगे देखते हैं वर्ड कुछ। शो यार, ये तो सही में हट भी जाए यार, तू मजाक कर रहा है। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट टाइम, जिसको बोलते हैं अगली बार, अक्सर आप बोलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम। तो इससे सेंटेंस बना सकते हैं, मैं तुमसे अगली बार मिलूंगा। ध्यान दीजिएगा सेंटेंस को राइट, क्या समझिएगा कि मैं तुमसे अगली बार मिलूंगा, ठीक है ना। इसका क्या होगा, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। आज का अगला वर्ड क्या है, दिस वन, यह वाला, दैट वन, वह वाला। अब मार्केट करने जाते हो तो कहते हो भाई साहब वो वाला दिखाना, ये वाला दिखाना, तो इसको बोलते हैं दिस वन दैट वन। याद रखिएगा यह वाला वह वाला के सेंस में, ठीक है ना। तो देखते हैं इस पर भी सेंटेंस बना सकते हैं, मुझे यह वाला ड्रेस चाहिए, आई नीड दिस वन ड्रेस, ठीक है। अक्सर आप लोग बोलते हैं असल में, दरअसल, दरअसल नहीं कर सकते हैं, वास्तव में। तो इस चीज़ को बहुत ही फेमस वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं इनफैक्ट। क्या बोलते हैं, इनफैक्ट। दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, लाइक कर लेना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए, ठीक है ना। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। शांत हो जाओ, आप कई बार बोलते हैं मॉम शांत हो जाओ, पापा शांत हो जाओ, भैया शांत हो जाओ, बहन शांत हो जाओ। इसे क्या बोलेंगे, काम डाउन, काम डाउन। क्या बोलेगा, काम डाउन। एक बार और नहीं करते हैं, कई बार बोलते हैं एक बार और, एक बार और। चलिए एक बार और वीडियो देखिएगा, आपको ये बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। तो देखिए एक बार और के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, तो एक बार और के लिए यूज़ करेंगे वंस मोर, वंस मोर, वंस मोर। चलिए मैं बता दूँ कि नेक्स्ट वर्ड क्या है, देरी मत करना, देरी मत करना, तो डोंट डिले। आप लोग अक्सर कहीं जाते हो मम्मी पापा बोलते हैं देरी मत करना बच्चे, डोंट डिले माई चाइल्ड। इस पर भी कई सारे सेंटेंस बनाओ और प्रयास करो, एक एक सेंटेंस बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करो यार, कम से कम इतना तो कर सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, बस काफ़ी है आज के लिए, काफ़ी है। नहीं नहीं नहीं, आज के लिए ऐसे थोड़ी हो सकता है, अभी बहुत सारा वर्ड आपको कराएंगे, इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस भी कराएंगे, सिखाएंगे, तभी मुझे शांति मिलेगी, ठीक है ना। ओ यार तुम लोग बड़े दूर तक मत सोचना, वो वाली शांति की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पीस ऑफ माइंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। दूर तक नहीं जाना है, पहले ही बता दिया। चलिए डैट्स इनफ, हेलो डैट्स इनफ, बस बहुत हुआ। ओ इसका ये भी हो सकता है, सही बात है, डैट्स इनफ, बहुत हुआ, बस काफ़ी है आज के लिए, डैट्स इनफ फॉर टुडे, आज के लिए काफ़ी है, आज के लिए काफ़ी नहीं है यार, अभी बहुत आगे चीज़ बढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बिल्कुल सही, अपना ख्याल रखना, यानी अपना सही से ख्याल रखना। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एग्जैक्टली टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ठीक ना, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बोलेंगे। बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल वैसा ही क्या बोलेंगे, एग्जैक्टली द सेम, एग्जैक्ट बोलते हैं ना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जाने भी दो यार, बस रहने दो। आप लोग अक्सर बोलते हो ना बस रहने दो, बहुत हो गया, दैट्स इनफ, बस रहने दो। तो इसे क्या बोलेंगे, लेट इट बी। क्या बोलेंगे दोस्तों, लेट इट बी, लेट इट बी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। आज की क्या वर्ड है, लगे रहो। आप कहीं देखते हो कोई कोई किस काम में लगे रहते हो, ओहो लगे रहो, लगे रहो, बहुत अच्छे, जारी रखो, ठीक है ना। इसको यहाँ पर रखते रखो, करते, यानी इसको करते रहो भी सेंस ले सकते हैं। तो
तो बोलते हैं कीप इट ऑफ, क्या बोलेंगे कीप इट ऑफ। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं शायद, मे बी, क्या बोलेंगे शायद को मे बी बोलते हैं, या हो सकता है इट मे बी, या नहीं हो सकता है इट नॉट मे बी, इट मे नॉट बोल सकते हैं शायद, तो बोलेंगे मे बी, क्या बोलेंगे शायद को क्या बोलेंगे मे बी। नेक्स्ट वर्ड की तरह बोलते हैं जरा सोचो, जरा सोचो इंग्लिश में क्या बोलेंगे दोस्तों, आपको पता है क्या? नहीं पता है तो देखो कॉपी कलम उठाओ और लिख डालो और प्रैक्टिस करो। और मैं बता दूँ बहुत सारे बच्चों कमेंट्स हैं, बहुत सारे कमेंट्स मैंने ऐसे भी देखा है कि याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो मैं आपसे एक ही बात बोलूँगा, कॉपी में लिखना इसे और इसको एक बार रिवीजन करना, फिर अगले बार लिखना, फिर रिवीजन करना, पीछे वाले का भी रिवीजन करना। कम से कम इसको 20-22 दिन जितना आप पढ़ो एक बार पेज सिर्फ उठा के पलट के देख लो ऐसे से, इसमें गारंटी के साथ है आप भूल नहीं पाओगे, ठीक है ना। इसे बोलेंगे जस्ट थिंक, जरा सोचो, क्या बोलेंगे जस्ट थिंक, जरा सोचो तो यार, ठीक है ना। अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ या अंदर आओ, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे कम इनसाइड, कम इनसाइड, ठीक है ना। कोई दिक्कत किसी को, प्रैक्टिस करो, बोलो, जितने वर्ड सेंटेंस कराया जा रहा है उसका यूज करो। यू विल एवल टू स्पीक इंग्लिश, देर इज नो एनी डाउट टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलने के लिए में कोई शक नहीं है मेरे दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल गेट प्रैक्टिस, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, इतना ही, ओहो नहीं कहते बस इतना ही। तीसरा हम लोग क्या बोलेंगे, नॉट दैट मच, कोशिश करते रहो, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग, मुस्कुराते रहो, कीप स्माइलिंग बोल सकते हैं, हंसते रहो, कीप लाफिंग, खेलते रहो, कीप प्लेइंग, खाते रहो, कीप ईटिंग। देखो तो एक वर्ड से कई सारे वर्ड बना सकते हो, पबजी खेलते रहो, फ्री फायर खेलते रहो, क्रिकेट खेलते रहो, तो आप वाला आप क्या बना सकते हैं, कीप अप प्लेइंग क्रिकेट, कीप अप प्लेइंग फुटबॉल, कीप प्लेइंग पबजी, ठीक है ना। मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, खेलते रहो, गाते रहो, इससे कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं, आप अपनी डेली लाइफ में बोल सकते हैं, और इससे आपका इंग्लिश क्या होगा, प्रैक्टिस आप कीजिएगा, आप फ्लुएंट होगा, और बहुत सारे चीज़ आपको इस चैनल के माध्यम द्वारा सिखाया जाएगा। एक और वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, और बताओ क्या चल रहा है यार, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, और बताओ, ठीक है ना। इस इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, टेल मी मोर, टेल मी मोर, टेल मी मोर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बोलते हैं तुरंत जाओ, गो एट वंस, गो एट वंस, गो एट वंस, तुरंत जाओ, ठीक है। मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, दोस्तों इसका ट्रांसलेशन आप मुझे, इसका ट्रांसलेशन मुझे जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है, ये आपके लिए है, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड आप लोग देख रहे हैं, मुझे प्यास लगी है, मुझे प्यास लगी है, तो क्या बनाओगे, बहुत इजीली बना सकते हैं एम्थस्टी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इधर बोलते हैं मुझे बाहर जाना है, इस इंग्लिश में कैसे बोलोगे, मुझे बाहर जाना है, मुझे अंदर आना है, मुझे खाना है, मुझे आना है, इस तरह से बहुत इजीली बना सकते हो, आई वॉन्ट टू गो आउट, आई वॉन्ट टू गो आउट, या इससे ऐसे बोल सकते हो आई हैव टू गो आउट, आई हैव टू गो आउट, ठीक है ना। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगे, चलिए आज का वीडियो आपको कैसे लगे कॉमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएँ। और 5 वीक के लिए आपको चैनल को अभी नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है, ठीक है ना। इसी प्रकार के वीडियो आपको, ये पहला सीरीज का फर्स्ट वीडियो रहेगा, इसी प्रकार कई सारे सीरीज बनाकर आपको बहुत सारे सेंटेंसेस कराया जाएगा, वर्ड्स कराया जाएगा, ताकि आप अपनी डेली लाइफ में इंग्लिश को बेहतर बना सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।